गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब सभी पार्टियां चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। राज्य में जो चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी बनाम कांग्रेस माना जा रहा था, वो अब आम आदमी पार्टी और AIMIM के आने से काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कई दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक बदलाव अहमदनगर शहर की बापू नगर विधानसभा सीट पर देखने को मिला। इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया था, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब इसको लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। बता दें कि बापू नगर विधानसभा सीट से AIMIM के प्रत्याशी शाहनवाज खान ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने उन्हें कांग्रेस का खेस पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इसी के बाद AIMIM प्रमुख ओवैसी ने शाहनवाज खान के कांग्रेस ज्वाइन करने पर गुस्सा जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने शाहनवाज खान के लिए एक रैली भी की, वोट मांगे, पर कांग्रेस ने उनका जमीर खरीद लिया। कांग्रेस ऐसा ही करती है, वो बीजेपी को इसलिए ही हरा नहीं पाती है। गुजरात में खुद पार्टी प्रमुख ओवैसी ने 17 रैलियां करने की प्लानिंग की है। आपको बता दें कि शाहनवाज खान ने AIMIM छोड़ते हुए कहा था कि ये पार्टी भाजपा की बी टीम है। उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस में शामिल होकर वो अब अल्पसंख्यकों के मुद्दों को अच्छे से उठा पाएंगे, उनके लिए काम कर पाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि इस बार भाजपा एवं उसकी बी टीम का सपना साकार नहीं होगा और दावा किया कि कांग्रेस 125 सीटों के साथ सत्ता में आएगी। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।